शाहरुख खान का 2 करोड़ी दाव जीरो बॉक्स ऑफिस से पहले ही कमा लिया प्रॉफिट। 21 दिसंबर 2018 को शाहरुख खान की फिल्म जीरो रिलीज होने वाली है। अपने स्टार कास्ट और कंटेंट की वजह से फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ट्रेड पंडितों के अनुसार इस फिल्म की सफलता शाहरुख के लिए काफी अहमियत रखती है। शाहरुख की पिछली रिलीज कुछ फिल्मों को देखें तो बैक टू बैक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही है, लिहाजा जीरो पर बॉक्स ऑफिस सफलता का प्रेशर है। शाहरुख खान फिल्म के एक्टर ही नहीं बल्कि निर्माता भी हैं। जीरो 200 करोड़ के बजट पर बनी है, लेकिन बता दें शाहरुख को फिल्म से नुकसान नहीं होने वाला। दरअसल फिल्म ने रिलीज से पहले 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है, यानी कि फिल्म प्रॉफिट में है। फिल्म के म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स 100 करोड़ में बेचे गए हैं, जबकि ओवरसीज राइट्स 40 करोड़ में बिकी है। इनके अलावा शाहरुख ने भारत के डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फिल्म 100 करोड़ में बेचा है, जबकि पिछली फिल्म दिलवाले को 130 करोड़ में बेचा गया था। खैर, जीरो ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है, यानी कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए और 150 से 200 तक कलेक्शन करना होगा, जो कि फिल्म के क्रेज को देखते हुए फिलहाल मुश्किल नहीं दिखता। शाहरुख ने वितरकों को यह भी तसल्ली दी है कि यदि उन्हें घाटा होता है तो वे भरपाई करेंगे। वहीं यदि फिल्म प्रॉफिट कमाती है तो मुनाफे का 85% हिस्सा शाहरुख के नाम होगा। यहां जाने फिल्म से क्या है उम्मीदें। जीरो शाहरुख खान का अलग अंदाज। फिल्म में शाहरुख खान बौने आदमी के किरदार में नजर आने वाले हैं। यह बॉलीवुड में पहली बार होने जा रहा है, लिहाजा उम्मीद है फिल्म में शाहरुख द सुपरस्टार नहीं बल्कि हमें बुआ सिंह ही देखने को मिले। जीरो सलमान शाहरुख धमाका। अब फिल्म में शाहरुख खान होंगे, सलमान खान होंगे, तो फैंस को कुछ धमाकेदार तो मिलना ही चाहिए। इन पर फिल्माया जीरो का गाना पहले ही चार्ट बस्टर हो चुका है। निर्देशक की माने तो फिल्म में सलमान का कैमियो अहम है। जीरो आनंदेल राय स्पेशल। आनंदेल राय की फिल्मों में सभी पहलू काफी संतुलित होते हैं, ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी। उम्मीद करते हैं जीरो में भी हमें वैसे संतुलन दिखे। जीरो कैटरीना कैफ। ट्रेलर में कैटरीना कैफ काफी इम्प्रेसिव दिखी है। डिप्रेशन की शिकार सुपरस्टार के किरदार में कैटरीना दमदार दिखी हैं। उम्मीद है इस फिल्म में आनंदेल राय ने कैटरीना को बतौर साइड रोल नहीं रखा होगा। जीरो अनुष्का शर्मा। परी हो या सुई धागा, अनुष्का शर्मा ने अपनी हर फिल्म से साबित किया है कि वे एक दमदार अदाकारा हैं। ऐसे में जीरो में भी वे कमाल करेंगी, ऐसी उम्मीद है। जीरो रिलीज डेट का फायदा। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है, यानी कि ठीक क्रिसमस की छुट्टियों से पहले। जाहिर है फिल्म को क्रिसमस का बड़ा फायदा मिलेगा।